प्रशासन पर निराश के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनता पार्टी की विचारधारा की चलते और जिस तरीके से लगातार सरकार की योजनाओं को हम सबको उसका लाभ, नीचे आईडी करो थोड़ा थोड़ा, जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया उनको भी लगातार हम वोट दे रहे हैं, जिसके कारण वो आज उन्होंने भी कहा कि भाई हम योजनाओं को लाभ देने में अगर भाजपा हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगी, नौकरियां देने में भाजपा आईडी दिखाओ, भेदभाव नहीं करना, आईडी ऊपर कीजिए, हमको भी वोट देने में भेदभाव नहीं करना चाहिए राजन, और पूरी जगह सभी चाहे उनरकी विधानसभा हो, मीरापुर हो, बीच में रखो बीच में दिखा दिया है, और अभी करहल में कितना कम मार्जिन रह गया है, सीसामऊ में बहुत कम मार्जिन, आईडी नीचे करो भाई, आगे आने वाले 2027 के चुनाव में जो समझ रहे हैं कि बिना चुनाव के ही उनको रास्ते में मिल जाएगा, उनको आज एहसास हो गया कि इसके बीच में जनता दीवार बन के खड़ी हुई है, अब इस अवैध दीवार को जनता की, अखिलेश यादव ट्वीट करके ये लिख रहे हैं कि बेईमानी से जीत हासिल की है, अरे बेईमानी से कुदरकी में 1,32,000 की लीड हो गई है, बेईमानी कितनी हो सकती है, बेईमानी 1,000, 2,000, 5,000 वोट की हो सकती है, बेईमानी कोई लाखों वोट की नहीं हो सकती है, कोई लूट इतना नहीं सकता है, और जिस तरीके से वो बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहते हैं, भाजपा जनता को प्रभावित करके उनके लिए काम करके हम चुनाव जीतना चाहते हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए। 2027 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी शुरू करेगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर समय तैयार रहते हैं और 2027 के चुनाव की तैयारी भी करें और 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बने। आपने पूरे परिचय के साथ में बताइए, जो बीजेपी की जो जीत का अभी जश्न चल रहा था कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम असरार अहमद है जी, मैं लखनऊ का निवासी हूँ जी, एक मुस्लिम हूँ जी। देखिए, जिन सीटों पर बढ़त हुई है और जो भारतीय जनता पार्टी ने जीता जी, ये विकसित भारत का संकल्प जी, लगातार जिस तरह से कुंदरकी जीते हैं जहाँ लगभग 60-65% मुस्लिम आबादी है, वहाँ लोगों को, गरीबों को मकान मिला फ्री में, राशन मिला फ्री में, आवास मिला फ्री में, शौचालय मिला फ्री में, उनको गैस योजना और उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में जो कनेक्शन मिले, ठीक है, जो गरीब तबका है मुसलमानों का वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको तमाम तरह की योजनाएँ मिली, तो सरकार के जो लाभान्वित हुए हैं इससे मोटिव होकर और गुंडागर्दी से छुटकारा पाकर, समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी से छुटकारा पाकर मुसलमानों ने वोट दिया है, विकसित भारत को वोट दिया है, योगी सरकार को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। एक तरीके से सोच लिया जाए कि ये मानते हैं हम आप सभी लोग की जो इस समय मौजूदा हालत में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अब वो कहीं ना कहीं गुंडेगर्दी तो खत्म करते ही नजर आ रही है। देखिए, गुंडागर्दी का सपोर्ट कोई भी नहीं करता, बिल्कुल, जब भी किसी के ऊपर कोई मौका आता है तो हमेशा गरीब दबाया जाता है, मुसलमान गरीब है, पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन में पिछड़ गया, उसे रोजगार नहीं मिल पाया, उसको अच्छे इलाज नहीं मिल पाए, कम से कम सरकार जो है अपने कोष से पैसा दे रही है, राहत कोष से पैसा दे रही है, आयुष्मान कार्ड दे रही है, उनको फ्री में मकान दिया, फ्री में खाना दे रही है, इससे मुसलमान बड़ा खुश है, अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहा है, और जो सुरक्षा का मसला है, जो कानून व्यवस्था है वो मजबूत हुई है, तो उससे गुंडागर्दी एकदम सफाया हो गई। एक ये जो नारा चल रहा था अभी उसका असर दिखा है कहीं ना कहीं जीत का? देखिए, नारे का मतलब यही है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे जी, जाहिर सी बात है 70 साल की कांग्रेस सरकार ने बगैर इल्जाम के मुसलमानों को बंदिश बना के रखा, उनको जेल में घुसने का काम, उनको आतंकवाद बनाने का काम किया, एक रहोगे सेफ रहोगे, इसका मोटिव ये है कि जब हम देश में अपने भारत में एक रहेंगे तो जाहिर सी बात है बाहर वाले हमला करेंगे तो हम उसका डबल जवाब देंगे। अखिलेश यादव का भी रिसेंटली ट्वीट आया कि उन्होंने कहा है कि ये जो जीत हुई है उस जीत में कहीं ना कहीं गड़बड़ी नजर आ रही है उन्हें, जब उनको जीत का मामला समझ में नहीं आता, देखिए समाजवादी पार्टी समाप्त हो गई, अब उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है,